हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋत्विक एंड फैमिली। आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको कराने वाली हूँ टूर एक होटल का जिसका नाम है तथास्तु, और ये होटल है हनुमान धाम के एकदम सामने। तो इसके रूम्स और कैसे कैसे रूम्स हैं, क्या क्या प्राइस है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और साथ साथ में आकर रेस्टोरेंट के बारे में आपको बताने वाली हूँ डिटेल। तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। मैं हूँ यहाँ तथास्तु होटल के रिसेप्शन में, और ये हैं जनरल मैनेजर यहाँ तथास्तु होटल के। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस होटल की, और उसके बाद आपको यहाँ का होटल का टूर कराने वाली हूँ आपको। चलिए। हाँ जी, बोलिए। आपका नाम? गोविंद सिंह मिस्टर मेरा। मैं एज ए होटल का जीएम की पोस्ट पर हूँ यहाँ पर। एंड देन यहाँ हमारा जो होटल है, यहाँ पर 18 रूम्स है, बैंकेट है, आपका रेस्टोरेंट है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपने होटल की पूरी। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, गेस्ट प्राइवेट की एरिया है, और इसके नियर अबाउट आपका हनुमान धाम टेम्पल भी है। बाकी मैं आपको रूम्स और रेस्टोरेंट और आपको दिखाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। तो यहाँ के जनरल मैनेजर हमको यहाँ के रूम्स के टूर कराने वाले हैं, और ये होटल जो है हनुमान धाम के एकदम सामने है। तो आप जब भी आए एक बार ये होटल में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, इस होटल का टूर कराते हैं। ये गेस्ट अगर कोई फ़ोटो खींचना चाहे तो यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये जो हमने एंटीक लगाया है पीस, गेस्ट के पिक्चर्स खींचने के लिए ही लगाया है। ये कोरिया से हमारा पत्थर मंगाया है। अच्छा, कोरिया से। देन ये हमारी लिफ्ट भी है यहाँ पर, अगर गेस्ट को लिफ्ट से जाना है। स्टेयर भी है हमारे पास। आइए। हाँ, लिफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये फोर्थ फ्लोर तक है मैम। इसमें फोर्थ फ्लोर में हमारा बैंकेट है, आपका ग्राउंड फ्लोर पर हमारा रिसेप्शन है, फर्स्ट फ्लोर पर हमारा रेस्टोरेंट है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको रेस्टोरेंट। ये डोसा फैक्ट्री हमारा रेस्टोरेंट का नाम है। ये हमारा रेस्टोरेंट का एरिया है, और यहाँ पर गेस्ट को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है प्रोवाइड करना है, यहीं पर कर सकते हैं। एक मिनी किटी हॉल भी बना रखा हमने। ये मिनी किटी हॉल है, यहाँ पर किसी गेस्ट की अगर छोटी जो गेट टुगेदर होना हो तो वो यहाँ आके भी कर सकते हैं अपना। अगर किसी गेस्ट को प्राइवेसी चाहिए देन इसके लिए इस पर्पज से भी बना रखा। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज़, तीनों ही कैटेगरी टाइप के फूड अवेलेबल है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड चाइनीज। अच्छा, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। यहाँ से आपको लिफ्ट से ले चलते हैं। तो अभी हम लिफ्ट से जाने वाले हैं। यह हमारा बेस कैटेगरी का रूम है, डिलक्स रूम्स। सो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट रूम जो कि है बेस रूम, एकदम बेसिंग से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये है बेडरूम, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और एकदम क्लीन, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है इस होटल में, इस रूम में। और यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी दिखती है हमको, और बालकनी से सीधा सामने हमको हनुमान धाम के दर्शन होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी लाइटिंग चल रही है, वहाँ रात का टाइम है, और आप देख सकते हैं हनुमान धाम के दर्शन यहीं से हो जा रहे हैं आपको इस होटल के रूम से। और साथ साथ में यहाँ सिटिंग के लिए दो चेयर्स अवेलेबल हैं, एंड आप देख सकते हो कितना क्लीन एंड हाइजीन है, यहीं से दिख रहा है आपको। और यहाँ पे कबर्ड भी दिखता है हमको, तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्लीननेस का ध्यान दिया गया है इस होटल में। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए है, और यहाँ पे एक
टीवी स्क्रीन दिया गया है और वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि होटल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वॉशरूम कैसा है, सब लोग कस्टमर्स यही ढूंढते हैं। तो यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा और हाइजीन है, एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया हाइजीन का। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस होटल के बाथरूम को। आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर लगाया गया है वो भी बहुत ऑसम लुक दे रहा है इस होटल के रूम को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी बनाई गई है, एंड बेड आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। और साथ साथ में हमको यहाँ फोर पिलोज एंड टू कुशंस मिलते हैं, एंड बेड में जो मैट्रेस लगा गया है वो भी बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा है। और आप बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो हम मैनेजर से पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है। बेस कैटेगरी का जो डिलक्स रूम्स है हमारा, टू पर्सन के लिए वन नाइट का जो कॉस्ट है इसकी 5500 प्लस टैक्सेस है ऑल मील्स के साथ, और MAP के साथ आपका 4800, एंड देन CP के साथ 4200, और ओनली रूम बेसिस के साथ 4000। अच्छा, मिनिमम मतलब 4000 से स्टार्ट है, मतलब कैटेगरी वाइज मील प्लान के हिसाब से। मील प्लान के अकॉर्डिंग टू मील प्लान, तो यहाँ पर मील प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूम पर रूम पर नाइट के हिसाब से, पर रूम पर नाइट मतलब वैसे बेसिक से कहाँ से 4000 से 5500 यहाँ का प्लस टैक्सेस, एंड उसके साथ कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके साथ ऑल मील्स इंक्लूडेड। अच्छा, उसी के साथ ऑल मील्स, वन ब्रेकफास्ट वन लंच वन डिनर। ओके, 5500 रुपीस में आपको ये रूम मिलता है विद 3 टाइम मील्स एंड इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो ये रूम बहुत परफेक्ट है, आप देख सकते हैं, जब भी आप आए थे एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं यहाँ के दूसरे रूम आइए। ये हमारा सुपर डिलक्स रूम्स है, इसमें एमिनिटीज़ क्या है आपका, टी केटल है, मिनी फ्रिज है यहाँ पर, आपका शोकेस है गेस्टों के सामान रखने के लिए, एंड देन अलमीरा है, मिनी अलमीरा है, छोटी कबर्ड है सॉरी, एंड देन ये अलमीरा है गेस्टों के मिरर, एंड देन ये इसका अलमीरा है विद आपका लॉकर के साथ। अच्छा, यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी भी। हाँ जी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ इस होटल के सुपर डिलक्स रूम में, और इस रूम में स्पेस थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिल जाता है। साथ साथ में आप देख सकते हैं बेड है, बेड के पीछे जो वॉलपेपर दिया गया है, साथ में ये पेंटिंग दी गई है ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हमें लैंप मिलता है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे 2 सिटिंग चेयर्स यहाँ पे दी गई है, एंड साथ साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे कबर्ड एंड फ्रिज की फैसिलिटी भी मिलती है। यहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह दिए गए हैं आपको सामान रखने के लिए, एंड यहाँ पे कुछ वर्क करने के लिए आपको एक ये टेबल के रूप में वर्क कर सकते हैं, एंड साथ साथ में यहाँ पे चेयर दी गई है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर, इतना लॉन्ग लेंथ का मिरर आपको मिलता है ताकि आपको कंप्लीट सब कुछ ठीक से दिख पाए। और साथ साथ में यहाँ पे कबर्ड भी आप देख सकते हैं, कबर्ड की फैसिलिटी भी है विद लॉकर, यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी भी हमको मिलती है इस रूम में। और दिखाते हैं यहाँ से बालकनी कितनी बड़ी है, एंड इस रूम में हमको ये कैटल फैसिलिटी भी मिलती है। यहाँ पे सब कॉफ़ी चाय एंड सब कुछ अवेलेबल है, एंड यहाँ पे बालकनी में आते हैं, बालकनी का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है पिछली बार से। बालकनी से हमको माउंटेन का व्यू दिखता है, जो आपने पहला वाला रूम देखा वहाँ से आपको हनुमान धाम के दर्शन हो रहे थे, और इस वाली बालकनी से आपको सीधा माउंटेन्स के व्यू मिलेगा आपको यहाँ पर। और बहुत ही प्यारा व्यू है, नीचे पूरे खेत रहते हैं, ऊपर पूरा माउंटेन रहता है, और नीचे यहाँ पार्किंग का एरिया है। अगेन यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही हाइजीनिक है, क्लीनलेस का बहुत ध्यान रखा गया है, गीज़र फैसिलिटी भी है यहाँ पे। सो ये है ये रूम, और इसकी प्राइसिंग का पता कर लेते हैं हम मैनेजर से। एंड ऑल रूम्स में AC फैसिलिटी आपको मिलेगी। ये रूम हमारा सुपर डिलक्स रूम है, इसमें 2 पर्सन का कॉस्ट है ऑल मील्स के साथ 6500 कॉस्ट आएगी, 6500 प्लस 2 पर्सन वन नाइट, 2 पर्सन के लिए वन नाइट और 3 मील्स के साथ, 3 मील्स के साथ 6500 में आपको ये रूम मिल जाएगा पर नाइट, पर रूम पर नाइट। हाँ जी, फॉर टू पीपल। हाँ जी। तो ये है यहाँ का रूम, और आप नेक्स्ट रूम, चलिए आपको नेक्स्ट रूम दिखाता हूँ, स्वीट रूम। स्वीट रूम उसमें सोफा कम्बेड अटैच है, और स्पेस भी बहुत बड़ा है, उसमें 4 पीपल आराम से रह सकते हैं, लेकिन कॉस्टिंग का मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारा स्वीट रूम है, इसमें ये सोफा कम्बेड अटैच है, एंट्रेंस में सामने से इसमें, हाँ ये सोफा कम्बेड खींच के डबल बेड बन जाता प्रॉपर, देन इधर
इसमें फैसिलिटीज आपका जैसे सुपीरियर रूम में है वही टी मेकर सबको मिनरल वाटर कॉम्प्लीमेंट्री वन बॉटल मिनी फ्रिज एंड देन अलमीरा मिनी अलमीरा ये इसका मिरर है यहाँ पर हाँ ये डिजाइनिंग देख इधर इसका बेड किंग साइज बेड आ जाता है ये किंग साइज बेड है एंड देन टीवी है आपका एसी तो सभी रूमों में ही लगा हुआ है एसी रूम्स टोटल एसी रूम्स हैं हमारे पास शोकेस है इसका यहाँ पर आपका अलमीरा है एंड देन स्लाइडिंग वाला इसमें स्लाइड है और ये इसका वॉशरूम है सीट रूम का जो प्राइस है 2% का कॉस्ट जो आएगा ऑल मील्स के साथ इसमें एक ब्रेकफास्ट एक लंच एक डिनर मिलेगा और 9000 प्लस टैक्सेस इसकी कॉस्ट है फॉर 2% पर रूम पर नाइट अगर 2 से ज़्यादा पर्सन है जैसे उनका एक्स्ट्रा हो जाएगा जैसे हर होटल इंडस्ट्री में जो चलता है 1 to 5 तो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है 5 to 12 25% पैकेज पर 25% और 12 से अब जो है 35% हाँ जी सो फ्रेंड्स इस रूम की बालकनी भी बहुत बड़ी है साथ साथ में यहाँ पे 2 स्पेस है बैठने के लिए सिटिंग्स अरेंजमेंट है साथ साथ में यहाँ पे पूरा का पूरा माउंटेन व्यू है एंड अप्रैल के मंथ में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है मींस हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही है इस टाइम पे यहाँ पे और तो चलिए यहाँ से चलते हैं बहुत अमेजिंग रूम है ये भी एंड यहाँ की फ्लोरिंग भी दिखाती हूँ फ्लोरिंग भी बहुत अमेजिंग है इस रूम्स के बाहर ना एक आपको ये वाला एरिया मिल जाता है लॉबी एरिया जहाँ के आप देख सकते हैं कि वॉल में कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है साथ में एक सोफा रखा गया है सेटिंग अरेंजमेंट के लिए जहाँ पे आप फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं एंड रेस्ट भी कर सकते हैं तो ये वाला एरिया भी मुझे बहुत अमेजिंग लगा इंटीरियर में अगर बात करूँ तो इंटीरियर के हिसाब से ये वाला होटल बहुत ही अमेजिंग है एंड हनुमान धाम के ठीक सामने है आप जब भी आए एक बार विजिट जरूर कीजिए एंड साथ में आप ये वाला मिरर देख सकते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है आपको मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पास से फ्रेंड्स इस लॉबी के ना ठीक सामने आपको एक बालकनी दिखती है जिस बालकनी से आपको सीधा सामने दिखेगा या हनुमान धाम जी के दर्शन हो जाएंगे आपको यहाँ से पूरा हनुमान धाम का आपका व्यू आता है पीछे से कोसी रिवर है और उधर को रामनगर सिटी पड़ती है वो पूरी लाइट जो पड़ रही है दिख रही है आपको रामनगर सिटी की दिख रही है इधर को काशीपुर का एरिया आ जाता है जसपुर बाजपुर का आई ये हमारा बैंकेट है बैंकेट का हमारा जो नाम रखा हुआ है स्काई हाउस रखा हुआ है हमारे स्काई हाउस तक लिफ्ट है पूरी प्रॉपर और आई अंदर ये हमारा बैंकेट हॉल है यहाँ 100% की आपका सिटिंग का अरेंजमेंट है हाँ जी कल ही एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हमने कल 100% फंक्शन था 100% का ऑर्गेनाइज किया और देन आइए बाहर मैं दिखाता हूँ स्काई हाउस रखने का पर्पज़ यह है ये खुले आसमान के नीचे गेस्ट को सीटिंग का अरेंजमेंट भी दे सकते हैं हम और एक फील भी आता है गेस्ट बड़ा बेटर फील करते हैं जिससे और विंड भी जो ब्लो हो रही है आपकी बड़ा फ्रेशनेस एंड ठंडी हवा बह रही है लग नहीं रहा कि हम इतने ऊँचे पर हैं ठंडी हवा के साथ साथ गेस्ट को रिलीफ भी है किसी को अपना पार्टी छोटी पार्टी करनी है तो यहाँ भी कर सकते हैं हाँ जी ये हमारा मिनी अपना लाइव किचन है लेकिन अभी ऑर्गेनाइज नहीं ये हनुमान धाम पर पहला होटल है जिसका नाम हमने तथास्तु रखा एंड देन हमारी डोसा फैक्ट्री हमारा रेस्टोरेंट का नाम है हमने उनसे फ्रेंचाइजीज ले रखी तो उसके नाम पर हमने डोसा फैक्ट्री अच्छा, हाँ जी अगर बैंकेट का कोई
वैसे ऑर्गेनाइज़ करना है जैसे 50, 70, 100% का वैसे ऑर्गेनाइज करते हम, और इसका फूडिंग चार्जेस अलग और आपका बैंकेट का कॉस्ट अलग। बैंकेट का जो कॉस्ट आएगा आपका 40,000 एंड प्लस टैक्सेस, एंड देन फूडिंग का, फूडिंग का हम 1400-1500 रुपये पर पर्सन लेते हैं उसका। प्लेट वाइज उसमें ड्रिंक उसमें ड्रिंक्स नहीं, नॉन, यहाँ पर धाम की वजह से हम ड्रिंक्स और नॉन वेज यूज़ नहीं करते हैं। ये प्योर वेज हमारा जो है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, प्योर वेज होटल है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स जूसेस वो सब प्रॉपर देंगे सर। हाँ ओके, ये लेडीज एंड जेंट्स वॉशरूम, ओके ये जेंट्स वॉशरूम है और इधर लेडीज वॉशरूम है, ठीक है, मतलब वन रूम वन, ठीक है। मिरर्स आजकल सब कुछ मिरर्स पे ही है ना। सो यहाँ सर ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और बहुत अच्छे तरह से ये रूम्स दिखाए यहाँ होटल में। थैंक यू आपका, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ठीक है, आई होप ये आपका चैनल दिन पर दिन बढ़ते रहे, लोग सब्सक्राइब करें, थैंक यू, यहाँ से भी आपके सब्सक्राइब बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, एंड आपका भी होटल बहुत तरक्की करे, तो बहुत अच्छा लगा। आपका होटल सच में बहुत अमेजिंग है, तो मैं रेकमेंड करूंगी एक बार फिर से अपने व्लॉग के थ्रू कि इस होटल में जब भी आप हनुमान धाम दर्शन करने आएँ या फिर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ कहीं बाहर से आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो एक बारी यहाँ पर भी सेवा का मौका ज़रूर दीजिए। यहाँ का फूड बहुत ही डिलीशियस है एंड रूम्स भी मैंने आपको दिखाई दिया है, एंड इससे पहले मैंने एक बार व्लॉग डाला है, मैं आपको एंड स्क्रीन में डाल के दे दूँगी। मैंने यहाँ पर फूड ट्राई किया था तो उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया था, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। एंड साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग तक के लिए, बाय फ्रेंड्स।